आपको विधवा पेंशन मिल रहा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कब से? 10 साल हो गए बेटा, मैं जानी नहीं। प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकास खंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटावा के ढाना आमा ढाना में एक ऐसी समस्या है जहां पे विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां की विधवा महिला काफी परेशान है, जो कि कानूनी पात्रता में आते हैं। और आमा ढाने की विधवा महिलाओं की जनसंख्या 15 है और ऐसे ही पूरी गांव की जनसंख्या 786 है। और मेरा जी प्रतिति और ये मेरा समुदाय। यहाँ पे कितनी महिला है जो कि विधवा है? 10-15 है। 10-15? हाँ। उन लोगों को किसी को भी विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सरपंच ससुर सबसे बात करे हमने। हाँ। ससुर से बोले कि हमरे बना दो, नहीं बोले, हम बनाता ही नहीं बोले। विधवा पेंशन के लिए आपने सचिव सरपंच से बोले थे कि नहीं? 2-4 खेप बोली बेटा, और खुद के मेरे पैसा खर्च करके और फोटो झिकवा ले सब हो गो। तो उनने क्या बोले? वे बोलना ही नहीं है। पर कितने बार गए आप सरपंच पास में? 2-4 खेप गए लेकिन मिले नहीं। हाँ, बात नहीं हुआ इसके बारे में। तो अम्मा, अब आप ये बताओ कि अब आप क्या चाहते हो? हम का चाहा, मिल जाती तो अच्छी बात है। पेंशन लेना चाह रही क्या ने? विधवा पेंशन बनना चाहिए। हाँ। आमा ढाने की जो विधवा बाई है, महिला है, उनके बारे में आप क्या सोचते हो? उनके बारे में तो मैं जब से सरपंच बनी हूँ, जब से मैं सोच रही हूँ कि विधवा पेंशन उनको मिलना चाहिए, और फार्म जमा करते भी जा रहे हैं हम, पर पता नहीं आगे क्या हो रहा, तो ये मेरे को मालूम नहीं। जी, तो आगे उन लोगों के लिए आप लाभ देने के लिए तो हम सोच ही रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस गांव में जो भी विधवा महिला है इनको विधवा पेंशन मिले, और जो भी सरकारी योजना आती है महिलाओं के लिए वो सरकारी योजना का लाभ मिले, ताकि इनको आगे चल के कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप हमारे छिंदवाड़ा जिले के पेंशन अधिकारी DR महुविया जी से 9425160604 पर कॉल करके उन पर दबाव बनाकर हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से परार समिति राजू प्रतिति, इंडिया अनहर्ट के लिए।